फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव। मैं आज आप लोगों को मैनीक्योर कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगी। आज मैंने ओरिफ्लेम का किट लिया हुआ है। इस किट के माध्यम से, ये मेरा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे पास ओरिफ्लेम का था तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी को मैंने गुनगुना कर लिया हुआ है। सबसे पहले क्यूटिकल्स, इसके लिए इसको मैं सारे नाखून पे अप्लाई करूंगी। इसको थोड़ा सा उंगली से हल्का सा अच्छे से रब करते हुए लगाएंगे। इसको फिर हम पानी में, ये हमारा बॉडी सोप का आधा ढक्कन के करीब डालेंगे मैनीक्योर पेडीक्योर, और इसमें एक पाउच यानी एक चम्मच टीस्पून हम शैम्पू भी डाल लेंगे ताकि हमारा हाथ जो है और अच्छे से साफ हो जाए। और इसमें हाथ डालने से पहले अपने सारे आर्नामेंट्स उतार लेंगे और नेल पॉलिश को रिमूव कर देंगे। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था चिक्का, मैंने यही ले लिया। हम बफर से नेल की पॉलिशिंग करेंगे, इससे नेल में शाइनिंग आ जाती है, नेल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। सारी उंगलियों को बफर करने के बाद क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पुश करेंगे बैक साइड में। इस तरह सारी उंगलियों को के नाखून को क्यूटिकल कटर से काट के अलग करेंगे। फिर हम नेल शेपर से पहले दोनों साइड, फिर बीच में इस तरह से अर्धचंद्राकार उंगलियों का शेप देंगे नाखून नाखून को। फिर हम क्रीम से मसाज करेंगे। उस हाथ की उंगलियों का भी इसी तरह से बफिंग, क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल पुश। करेंगे बहुत सावधानी से, ये काम होना चाहिए वरना कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, हार्म पहुँच सकता है। देखिए कितना डेड स्किन निकल रहा है और कितना क्यूटिकल निकल रहा है। इससे निकलने से नाखून स्वस्थ रहते हैं और अच्छे से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। नाखून में शाइनिंग देखिए कैसा अच्छे से तैयार हो गया हमारा, नीट एंड क्लीन हो गया हाथ।